नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लगभग 3 दशक के बाद जम्मू के एमए स्टेडियम में लेजेंडरी लीग क्रिकेट मैच होने जा रहा है, जिसको लेकर इस समय लोगों के बीच में एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। प्रज्ञान ओझा, जिन्हें कौन नहीं जानता, क्रिकेट की दुनिया में इनका अपना बहुत बड़ा नाम है। ये स्पिनर हैं और लगभग इन्होंने 24 टेस्ट मैचों में 113 विकेट ली हैं। उनसे एक हमने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है और उनसे पूछा है कि इस समय जो लेजेंडरी लीग क्रिकेट मैच जम्मू में होने जा रहा है, उसको लेकर वो कितना क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, फर्स्टली तो आपसे जानना चाहूंगी कि अब लेजेंडरी लीग क्रिकेट मैच जो है 2023 जम्मू में होने जा रहा है, उसके लिए आप क्या अनुभव करते हैं? देखिए, एक अच्छी बात है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स सब साथ में आ रहे हैं। एक ये जो लेजेंड्स लीग है, इसमें साथ में खेलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। तो ये जो क्रिकेट होता है, हम सबको बचपन से बाइंड करके रखा हुआ है। सबने इसमें मतलब जब शुरू किया था तो मोर ऑफ जैसे आप किसी कोच को चाहते हैं तो आप उसको शुरू करते हैं, लेकिन धीरे 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 ही आपका प्रोफेशन बन गया। तो इतने दिनों के बाद फिर आपको मौका मिल रहा है, आप जाके खेले और एक ब्यूटीफुल प्लेस जम्मू, जहाँ पे पहली बार बहुत सारे लोग खेलने जाएंगे, तो वहाँ पे खेलने का मौका मिलेगा। तो हम लोग सब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी सर, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो आपने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मैच खेले हैं। अब तक का कौन सा ऐसा मैच है जो आपके दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है? जी देखिए, मेरे काफी सारे जो मैच की बात करें, लेकिन सबसे जो दिल के करीब है, जब आप डेब्यू करते हैं देश के लिए, जो पहला मैच आपका रहता है जी, जब आप पहला मैच खेलते हैं तो उसका जो इमोशन होता है, उसका जो क्या कहते हैं एक्साइटमेंट होता है, वो अलग ही होता है। क्योंकि वो सिर्फ आप में नहीं होता है, आपके कोच में होता है, आपके परिवार में होता है। तो ये सारी चीजें जो है इस चीज को स्पेशल करती है। और मुझे अभी भी याद है, जब मेरा फर्स्ट डेब्यू हुआ था कानपुर में 2009 में, वो भी नवंबर का महीना था, तो वहां पे मुझे जब सचिन तेंदुलकर जी से कैच मिला था, मेरा टेस्ट कैच, तो वो एक स्पेशल मोमेंट था। और उसी को इमीडिएटली इसी के बाद ही तुरंत बाद हम वर्ल्ड नंबर वन टेस्ट टीम बने थे। ये सारी चीजें बहुत स्पेशल मेरे लिए थी, जो मेरा पहला साल था जी। सर, मेडन टेस्ट हुआ था जो आपका पहला मैच था, आपने फर्स्ट बॉल पर फर्स्ट विकेट ली थी, वो कैसा अनुभव रहा? क्योंकि पहली बार पहली बॉल में पहली विकेट लेना, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव रहा होगा आपके लिए। ये टेस्ट की बात कर रहे हैं? जी सर। नहीं, टेस्ट में मैंने पहले बॉल पर लिया नहीं था कैच, लेकिन वो टेस्ट मैच में मेरे जो पहला विकेट था वो बहुत बड़ा विकेट था, महंगा जयवर्धन का, लेकिन पहले बॉल पर मुझे विकेट नहीं मिली थी। देखिए, हमेशा देखिए, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, एमएस धोनी हो गए, इन सबके साथ खेलने के लिए चांसर हमेशा मतलब तो खुशी होती है, क्योंकि आप हमेशा जिनको स्क्रीन पे देखे हो, जिनके बारे में इतना सुने हो, और वो मतलब इतने ज्यादा कनेक्टेड है इंडिया के साथ क्रिकेट को लेकर, कि जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो तो आपको मतलब थोड़ा समय लगता है कि इनको सामने जब आप देखते हो, उनको प्रिपेयर करते हुए देखते हो, क्योंकि किस तरीके से इतने सालों से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, देश के लिए इतने रन बनाए, तो ये सब चीज आप जब देखते हो ना तो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि ये बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो आप मेहनत करते हैं ना, जब आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो ये सारे जो पल होते हैं आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मैं फॉर्चुनेट इनफ था कि मैंने इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, इनके साथ बातचीत होती है, और जो कहते हैं कि एक तरीके से अपने आप को मैच के पहले या मैच के बाद या मैच के दौरान प्रिपेयर करते थे, वो चीज देखने को मिलती है, बहुत सीखने को मिलती है कि एक इतने सालों से अपने आप को जो टॉप में मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, जो कि प्रोसेस आप जानते हैं ना, वो आपको मदद करती है कि आप अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ये सब सीख आपको बाहर नहीं मिलती है, तो जब ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करती है करियर में आगे बढ़ने के लिए।
और उसी के साथ साथ जब वो आपके साथ डिस्कस भी करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है वो जो मैच के अलग अलग परिस्थितियों में कैसे आपको उस चीज को एड्रेस करना है, ये चीज आपको सीख उनसे मिलती है क्योंकि उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस होता है अलग अलग परिस्थितियों का। थैंक यू सर, ग्रेटर जम्मू से इतनी बात करने के लिए धन्यवाद, और इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए धन्यवाद। जब ग्रेटर जम्मू से प्रज्ञान ओझा ने बात करी तो उन्होंने बताया कि इस समय जो जम्मू में लीजेंडरी लीग क्रिकेट मैच होने जा रहा है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स आपको यहाँ पर शिरकत करने को देख नज़र आएंगे। और वहीं पर सिर्फ जम्मू के लोगों की ही नहीं, प्रज्ञान ओझा उनकी भी एक्साइटमेंट बरकरार है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।